हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। तो मैथ्स में आपको माय मैथ नोटबुक लेनी है, उसमें आपको पेज नंबर 5 ओपन करना है। देखो बच्चों, पेज नंबर 5 पर हमें क्या दिया है, पैटर्न्स दी है। तो ये कौन सी पैटर्न है बच्चों, ये है सर्कल। तो हम सर्कल किस तरह से बनाएंगे, देखो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और इस तरह से आपको ये डॉट जॉइंट करना है। बच्चों आपको जो डॉट दिए हैं वो आपको धीरे धीरे और अच्छे से जॉइंट करना है। देखो ये बन गया ना सर्कल, इसी तरह हमें ट्रेस करना है बच्चों। देखो इस तरह से आपको सर्कल बनाना है। देखो बच्चों, आपको सर्कल बनाना तो आता ही होगा क्योंकि हमने इसके पहले के वीडियो में कर्व बनाया था, आपको याद है बच्चों, हमने दो कर्व बनाए थे। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये रहा, ये कर्व भी बनाया था और ये कर्व भी हमने बनाया था। तो आज हम इसके पर से सर्कल बनाएंगे बच्चों। देखो आपको पेज नंबर 5 पर जो सर्कल दिए हैं वो हमें ट्रेस करने हैं। इस तरह से आपको ट्रेस कर देना है बच्चों। आपको धीरे धीरे ये डॉट जॉइंट करते जाना है बच्चों। देखो ये ट्रेस वाली लाइन तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नीचे खुद से सर्कल बनाएंगे बच्चों। देखो आपको यहाँ पर जो पॉइंट दिया है यहीं से आपको इस तरह से धीरे धीरे सर्कल बनाते जाना है बच्चों। देखो बच्चों बन रहा है ना सर्कल, उस तरह से आपको सर्कल बनाते जाना है। देखो बच्चों आप इस तरह से भी बना सकते हो, इस साइड से आपको थोड़ा सा कर्व करना है और बाकी का जो है वो इस साइड से करना है, फिर भी आपका सर्कल बन जाएगा बच्चों। देखो इस तरह से बन गया ना, तो इस तरह से आपको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कर्व करना है तो हमारा सर्कल बन जाएगा बच्चों। देखो अब आपको नीचे पॉइंट नहीं दिए हैं, नीचे हमें खुद से बनाने हैं बच्चों। देखो इस तरह से
बन रहा है कि नहीं बच्चों? आपको धीरे धीरे बनाना है तो आपका सर्कल बनेगा ही। अब हम लास्ट लाइन में बनाएंगे बच्चों। देखो बच्चों, मेरा ये पेज तो कंप्लीट हो गया, आपका भी कंप्लीट हो गया होगा। आप भी मेरे साथ बना रहे थे ना बच्चों। अब आपको पेज नंबर 6 पर देखना है। पेज नंबर 6 पर हमें क्या दिया है? यहाँ पर भी हमें पैटर्न्स दिए है। तो देखो बच्चों, आपको सारे पैटर्न्स साथ में दी है। ये है स्टैंडिंग लाइन, ये है स्लीपिंग लाइन, ये है स्लैंटिंग लाइन, ये दोनों ही हाफ कर्व है, और यहाँ पर आपको पूरा सर्कल दिया है। तो सारे पैटर्न हमें साथ में करनी है बच्चों। बच्चों पहले आपको जो ये ट्रेस वाली लाइन दी है वो हम कंप्लीट कर देते हैं। चलो आपको भी मेरे साथ कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम कौन से पैटर्न करेंगे? स्टैंडिंग लाइन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैंडिंग लाइन। देखो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको स्टैंडिंग लाइन किस तरह से करनी है। देखो आपको ऊपर से नीचे तक लाना है सीधे, तो हमारी स्टैंडिंग लाइन बन जाएंगी इस तरह से। बन रही है ना बच्चों? इस तरह से आपको पूरी लाइन में स्टैंडिंग लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। दूसरी कौन सी पैटर्न है? स्लीपिंग लाइन। देखो वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, स्लीपिंग लाइन करना है इस तरह से। अब हम नीचे खुद से बनाएंगे बच्चों। तो हमारी स्लीपिंग लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम कौन सी पैटर्न बनाएंगे बच्चों? इसे क्या कहते हैं? स्लैंटिंग लाइन। देखो इस तरह से आपको बनानी है स्लैंटिंग लाइन, यानी कि आपको क्रॉस लाइन बनानी है। देखो स्लैंटिंग लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम कर्व बनाएंगे बच्चों। इस तरह से आपको कर्व बनाते जाना है बच्चों। अब हम दूसरा कर्व बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे बच्चों? इसे क्या कहते हैं? सर्कल। हमने अभी अभी सर्कल पेज नंबर 5 पर किया ना, तो आपको पेज नंबर 6 पर भी सर्कल करना है बच्चों।
तो देखो बच्चों, हमारा ये पेज भी कंप्लीट हो गया, आपका भी कंप्लीट हो गया होगा। आप भी मेरे साथ बना रहे थे ना बच्चों पैटर्न्स। तो बच्चों, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 पर आपको जो पैटर्न दी है वो आपको कंप्लीट करनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।